रियलिटी शो बिग बॉस के घर के बनी जोड़ी एजाज खान और पवित्र पुन्या अक्सर ही इकट्ठे कई इवेंट्स स्पॉट किए जाते हैं। हाल ही के गणपति दर्शन के लिए यह जोड़ी इकट्ठे अपने गरीबी के घर पहुंचे। इस मौके दोनों कलाकारा ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स की गल की, नाल ही आने वाले कई प्रोजेक्ट्स नू लेके भी गल्लां शेयर कीतियां। इस मौके पवित्र पुन्या अते एजाज एथनिक लुक दे विच नजर आए। जी हाँ, ते एजाज दीआं मूछां ने सब दा ध्यान अपने वाल खिंचिया। आओ पाउने आ नजर। बिग बॉस के ये लव वर्ड्स हर वक्त सब का ध्यान अपने वाल खिंचन दे विच कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, तुहानू दसिए कि इन्हां दी जोड़ी नू लोग पसंद करते हैं अते कई मौके इकोजी होंदे हुए भी नजर आते हैं। पवित्र पुन्या ने शरारा सूट पहने से जिसके नाल दोनों हाथों के उन्होंने चूड़ियां अते कंगन पहने से। लुक तो ज्यादा पवित्रा की हैवी ज्वैलरी ने हर किसी का ध्यान खिंचा। वेरी हैप्पी, बहुत खुशी होती है। और इनफैक्ट हमारा जो शो है और जो शो तो नहीं चैनल बोलूँगी वो इंडिया नंबर वन एंड मैं नागिन भी, किसी ने नागिन बोला इस टाइम बहुत दंगल टीवी की डायट और बहुत मोहब्बत मिलती है सब आपके लिए। सिटी ऑफ आपका जो है एसोसिएशन जो है संदीप जी के साथ कैसा है? और मतलब कि आप आज आए एसोसिएशन ये है कि संदीप भैया को टीवी नहीं करता, क्योंकि जब आप बालाजी में काम कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक एड फिल्म में देखा था और मेरे भाई को फ़ोन किया था कि तू एक्टिंग करने लगा है। फाइनली मेरे भाई ने बोला कि वो एजाज है, तो मैं उनसे मिलने आया और वहाँ से मेरा टीवी का एक्टिंग करियर शुरू। तो मेरे ससुर प्ले कर रहे थे मेरे पहले शो में केसर में। अरे बहुत बहुत करीबी है मेरे और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। हाँ, मुझे भी बालाजी में लॉन्च करने वाले संदीप थे। यस, और सिटी ऑफ ड्रीम 3 के बारे में क्या कहना चाहोगे? मुस्टैच रखी है आपने उसके लिए ही है? उसके लिए ही है। और 5 साल हो गए सिटी ऑफ ड्रीम्स को करते करते, आप लॉस को भी 5 साल हो गए। यस, हाल ही में शूटिंग कर रहा हूँ। वो भी ऐसा लगता है घर वापस आए हो, मैं सबसे मिलना, सबके साथ काम करना, उतना हेक्टिक भी नहीं है पहले जैसे। मैं तो पहले सीजन में हर एक सीन के लिए अलग अलग लोकेशन हुआ करते थे, इसमें आसानी से कर रहे हैं। पहला सीन था मेरा जुबले मसीह का जैसे मार्च करके आ रही, तो बाद में बोलना पड़ेगा अभी भी। हाउ इज़ द इंजरी राइट नाउ? इंजरी इज मच बेटर यार, रिकवरी चल रही है और ठीक ही हो रहा है सब कुछ।